हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं घटनासार का वन लाइनर करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फास्ट तरीके से इसे हम रिवाइज करेंगे। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार आप इसको सुन सकें। मैं खुद इसको दूसरे चैनल से बार बार सुनूंगा, सुन कर के कोई चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक है, एक तरफ से हम लोग इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण देने वाली किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? वो है विद्या पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना वह भारतीय छात्र जिसकी लघु फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2024 के लिए क्वालिफाई किया। FTII छात्र चिदानंद एस नाइक की ये पिक्चर है, मूवी है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया? डिसलेक्सिया। हम लोगों ने बीएड बीटीसी में पढ़ा होगा, डिसलेक्सिया मानसिक बीमारी होती है। इसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन गेज रूपांतरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। भुज से आप गुजरात जा सकते हैं, तो गुजरात इसका आंसर है। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? लेह लद्दाख में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला प्रश्न, एनालॉग स्पेस मिशन पृथ्वी से परे स्थित किसी बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्ग्रही निवास स्थान की तरह कार्य करता है। इसमें धरती पर ही अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया जाता है। ये ऊपर वाले के बारे में था, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के बारे में। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्र, जो किसी चीज़ को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे में पवन चित्र का अनावरण किया तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में किया है। वेरी गुड। 20 अक्टूबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन वसुंधरा 3.0 योजना का उद्देश्य है असम के मूल निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असम की एक महत्वपूर्ण योजना है मिशन वसुंधरा 3.0 योजना, असम के मूल निवासियों को भूमि अधिग्रहण प्रदान करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में 24-25 अक्टूबर 2024 को आया भीषण चक्रवात तूफान दाना। ठीक, दाना नाम उसका था। अब इस पे प्रश्न 100% बनेगा, कथन कारक वाला भी बन सकता है, दो स्टेटमेंट वाला भी बन सकता है। पूछेंगे उड़ीसा बंगाल के तटीय क्षेत्रों में अक्टूबर में कौन सा चक्रवात आया? दाना आया। इस चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने दिया है, जो सऊदी अरब है देश, उसने दाना चक्रवात का नाम दिया है, ये आ सकता है। ठीक है, भारत के किस तट को इसने प्रभावित किया? तो भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया। ये सब प्रश्न इससे आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम इस पे स्टार बना देते हैं। ये भैया 5-स्टार रेटिंग का है प्रश्न, याद कर लेना। अगला प्रश्न, बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ से लॉन्च किया गया? गंगटोक सिक्किम। हम लोग जानते हैं चांदीपुर जो है वहाँ से कोई भी चीज़ रॉकेट मिसाइल ये सब लॉन्च किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप धोखा खा सकते हैं। अग्नि अस्त्र को कहाँ से लॉन्च किया? गंगटोक सिक्किम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स ने अक्टूबर 2024 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 12,000 लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस मिशन की घोषणा की? शक्ति सैट मिशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लीजिए, शक्ति सैट मिशन। स्काई स्कैनर द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय स्थल कौन होगा? शिलोंग, मेघालय। ठीक है, स्काई स्कैनर एक संस्था है, तो ये बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2025 में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल होगा शिलोंग, याद कर लिए। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 को हुई बैठक में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ पर नया? तो ये है आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला, नागालंका में। ठीक है, कृष्णा जिला में। अक्टूबर 2024 में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 में
भारत को रैंक प्रदान की गई है 79, ठीक 79वीं रैंक प्रदान की गई है। अक्टूबर 2024 में कहां पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ? राजस्थान के जैसलमेर के सुधासरी प्रजनन केंद्र में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बड़ा पक्षी होता है जो राजस्थान थार मरुस्थल में पाया जाता है, पाकिस्तान के बॉर्डर तक पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत क्रिटिकल गंभीर श्रेणी में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहां पर भारत के पहले लेखक गांव, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक गांव बराबर देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव, ऐसे याद करिए, लेखक गांव बराबर थानो गांव उत्तराखंड, ठीक। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान को प्रारंभ किया है? मेटा यानी फेसबुक। फेसबुक मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान प्रारंभ किया है। ओके। वह राज्य जहां हाल ही में राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया? कर्नाटक। कर्नाटक में सभी जो आवासीय स्कूल हैं, आवासीय मतलब जहां बच्चे रात में रुकते हैं, हॉस्टल्स हैं, आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया कर्नाटक, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न भी आपका 5-स्टार रेटिंग का है भैया, पक्का। जनवरी 2025, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो 2025 में जनवरी मनाया जाएगा कहाँ पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में। जो भी देश का पहला होता है, विश्व का पहला, ऐसे प्रश्न होते हैं वो जरूर आते हैं, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क पुणे महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2024 में कहां पर स्थित मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत का 13वां बंदरगाह बना? ग्रेट निकोबार द्वीप का गे लिथिया खाड़ी में। 13वां बंदरगाह ग्रेट निकोबार खाड़ी में, द्वीप की खाड़ी गे लिथिया में, ठीक है। अक्टूबर 2024, ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी प्राप्त भारत की वैक्सीन जायवैक टीसीवी का संबंध किस बीमारी से? टाइफाइड से। जायवैक टीसीवी टाइफाइड ऐसे आते हैं, टीसीवी टाइफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में अपने एक निर्णय में नागरिकता अधिनियम की किस धारा को संवैधानिक वैधता प्रदान की है? 6A, ठीक है, 6A। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित किया? कनाडा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग देते हैं 2-स्टार रेटिंग, ठीक है, 2-स्टार रेटिंग देते हैं। कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित इंडिया ने किया, भारत कनाडा का थोड़ा सा विवाद हो गया था, वो एक खालिस्तानी समर्थक था, उसकी हत्या के बारे में, ठीक है, वहाँ पे भारत और पाकिस्तान कनाडा का विवाद हो गया था। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के दौरान किस देश के विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? तो अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देल हाफिद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी। अब जानते हैं रतन टाटा जी का निधन हो गया, टाटा के वो आजीवन चेयरमैन थे, ठीक है, अभी वर्तमान में जो चेयरमैन बने हैं वो बने नोएल टाटा बने हैं, उनके भाई हैं। इसके बाद भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी 5 रेटिंग स्टार हम लोग दे सकते हैं। DY चंद्रचूड़ की जगह किसे भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसे भी 5-स्टार रेटिंग हम लोग दे सकते हैं आराम से, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर भी याद रखिए 51वां। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यह भी अच्छा है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य? तेलंगाना, ठीक।
अब क्वेश्चन आता कैसे है ये भी कुछ कुछ चीजें डिपेंड करती है। जैसे कुछ चीजें होती है केंद्र सरकार राज्य सरकार जिन चीजों को नहीं मान रही होती है, वो नहीं वो कार्य करना चाह रही होती, उस पर फिर आयोग क्वेश्चन भी नहीं जल्दी बनाता। फिर भी हमें याद रखना है जैसे जाति जनगणना है, केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं करा रही, उसे कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके का प्रश्न भी नहीं जल्दी डाला जाएगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए बिहार ने सबसे पहले जाति जनगणना की, फिर आंध्र प्रदेश ने, अब तेलंगाना भी करवा रहा है जाति जनगणना यानी जाति सर्वेक्षण। ठीक है, लद्दाख स्थित काक्सर पुल का नामकरण अक्टूबर 2024 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर रखा गया? अमित भारद्वाज। अक्टूबर 2024 में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, आप उन्हें बहुत अच्छे जानते होंगे, रश्मिका मंदाना एनिमल मूवी में हीरोइन थी, वो एक्ट्रेस थी, उन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग एक स्टार रेटिंग दे सकते हैं, वन स्टार रेटिंग। अक्टूबर 2024 में अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को उसकी 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं असम में है, यह एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, ब्रह्मपुत्र नदी उसके बीच से गुजरती है और हाथी भी वहां पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा याद करना है, अच्छे समझना है। अक्टूबर 2024 में पहली आसियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर सेतकारी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया? देवलाली महाराज से बिहार के दानापुर के बीच में। ठीक है, 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 के बीच कहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? शिमला हिमाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल के संकलित दस्तावेजों को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मंजूरी मिली? ओरछा मध्य प्रदेश में है, ऐतिहासिक स्थल है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। 11 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है? हिज्ब उल तहरीर को केंद्र सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। देश में पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हो गया, डॉक्टर वेणुगोपाल। आप जानते हैं पूरे विश्व में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर बर्नार्ड थे, और भारत में पहला जो हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। ये प्रश्न दोनों आ चुके हैं, पीसीएस में आ चुके हैं, लेकिन उन्हीं डॉक्टर सर वेणुगोपाल जी का निधन हो गया है, तो इस पर भी प्रश्न आ सकता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामोदय योजना का शुभारंभ किया है? ओडिशा। हाल ही में इसरो ने जापान के सहयोग से किस चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया करने की घोषणा की है? लूपेक्स मिशन। 12 अक्टूबर 2024 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा। आप जानते होंगे अजय जडेजा क्रिकेटर थे, एक अच्छे क्रिकेटर थे। हाल ही में अमरावती में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्टुडो एंगेल गोटा कछुए की प्रजाति देखी गई? या आयुषियन की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में किस रूप में सूचीबद्ध है? गंभीर रूप से संकट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये शामिल है आयुषियन की लिस्ट में, रेड लिस्ट में। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का सहुआयानी गांव जहाँ कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं किस कारण से चर्चा में रहा? आज़ादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण। ठीक है, हाल ही में संपन्न 29वें वुशान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? विलेज रॉक स्टार रीमा दास की है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं के पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किस कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम द्वारा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? लाल पांडा कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर। इस प्रश्न को भी हम लोग 2 स्टार दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिपारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतया मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया? ट्रैकोमा, आंखों की बीमारी ट्रैकोमा। ट्रैकोमा भारत से पूर्णतया समाप्त हो गई है, इसका प्रमाण पत्र WHO ने भारत को दे दिया है। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? हानले लद्दाख में। ठीक है, याद रखिए एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया हानले लद्दाख में। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल समुद्री विरासत परिसर की परिसर के विकास को मंजूरी दी? गुजरात। आप जानते हैं लोथल गुजरात में, तो वही राज्य रहेगा। आगे आ जाइए, आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 7 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ विश्व स्तरीय सेवाओं की स्थापना के उद्देश्य से किस नीति की घोषणा की? हम सफर नीति। ठीक है, हम सफर नीति। अक्टूबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत, ये सर्वे करेगा, सर्वेक्षण करेगा, सर्वे पोत कौन सा? INS निर्देशक। ये प्रश्न आपका जाएगा 3-स्टार रेटिंग का, बहुत अच्छा है। सर्वे पोत अक्टूबर में हाल ही में लॉन्च किया गया, सर्वे पोत भारत का INS निर्देशक, ऐसे याद करिए, सर्वे पोत निर्देशक INS निर्देशक। वर्ष 2017 में एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला वह रॉकेट जो अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करके नष्ट हो गया PSLV 37 एक रॉकेट था जिसने 2017 में 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे, वह वहीं छूट जाता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, फिर ये अक्टूबर 2024 में पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया था, फिर वो वहीं जल के नष्ट हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? मिशन अमृत 2.0। 3 से 5 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित पर्यावरण एवं वन्य जीव पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण की थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर लाइफ। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? रांची। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया रांची झारखंड में। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन कहां प्रस्तावित है? गुवाहाटी असम में। 2-स्टार रेटिंग है इस क्वेश्चन की, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को कहां पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? पोहरदेवी वाशिम महाराष्ट्र में। हाल ही में पश्मीना ऊन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को GI टैग प्रदान किया गया? लद्दाख को। ये भी आपका 5-स्टार रेटिंग प्रश्न है, पश्मीना ऊन के लिए लद्दाख को GI टैग दिया गया। भारत ने सितंबर 2024 में देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति, इसका नाम भी दिया गया शक्ति, स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका के साथ। देश का पहला कार्बन तटस्थ कृषि फार्म हाल ही में घोषित किया गया है, केरल के अलुआ स्थित एक बीज फार्म को। देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई, दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, विश्व में टॉप में इसका नाम आता है। ठीक है, वह देश का वह एयरपोर्ट जहां 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई, दिल्ली एयरपोर्ट। गहरे समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए 25 सितंबर 2024 को भारत ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? BBNG समझौता। ठीक है, सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की समग्र रैंकिंग थी 58वीं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी हमारा जाएगा 3-स्टार। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2024 में भारत की जो रैंक है 58वीं है।
सितंबर 2024 में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? आईआईएम बेंगलुरु को। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? NH44 नागपुर में। ठीक है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क NH44 पर नागपुर में। फ्रांस की दसाल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना के फ्रांसीसी मूल के विमानों के लिए कहां पर MRO सुविधा स्थापित करेगी? नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल ही में देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा जाएगा 5-स्टार रेटिंग वाला प्रश्न। गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। ये 5-स्टार रेटिंग का प्रश्न है। अक्टूबर 2024 में किस राज्य ने लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। ये भी 1-स्टार रेटिंग है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं।